हेलो गाइस, आप सभी का मैं वेलकम करती हूँ अगेन मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बात करेंगे कंसोलिडेटेड फंड एंड कंटिंजेंट फंड। कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और आगे भी पूछे जाने की संभावना है, और इसकी नॉलेज तो आपको होनी ही चाहिए। एक तो है संचित निधि और एक है आकस्मिक निधि, दोनों को हम एक एक करके समझेंगे। संचित निधि यानी कंसोलिडेटेड फंड आर्टिकल नंबर 226 में इसको डिफाइन किया गया है, इसको रखा गया है। क्या होती है ये एक तरीके का ऐसा फंड यानी ऐसी रकम और ऐसा पैसा होता है जो भारत सरकार अपनी इनकम से पाती है, यानी भारत सरकार अपनी इनकम से इसको अर्जित करती है, प्राप्त करती है। भारत सरकार को जो होने वाले फायदे हैं वही इसमें रखे जाते हैं। जैसे कि भारत सरकार को जो इनकम होती है टैक्स से, जैसे कि रेवेन्यू टैक्स हो गए, उससे जो उसको प्राप्त होने वाला कर है वो संचित निधि में जमा होता है। और उसके बाद भारत सरकार ने जिन जहां जहां पे कर्ज दिए हैं उस कर्ज की वसूली से जो रकम उनको प्राप्त होती है वो संचित निधि में जमा होता है। तो ये होता है भारत सरकार की अपनी इनकम, भारत सरकार का अपना कमाया हुआ पैसा, प्राप्त यानी अर्जित की हुई रकम। आपको इसका आर्टिकल कभी नहीं भूलना है, आर्टिकल इसका बहुत इम्पोर्टेंट है। और दूसरा एक और इम्पोर्टेंट बात जो कि इससे जुड़ी हुई है वो ये, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, राज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति को वेतन, इन सभी को जो वेतन भत्ते दिए जाते हैं वो भारत की संचित निधि से ही दिए जाते हैं। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। और इस बात की चर्चा आपको कॉन्स्टिट्यूशन के जो शेड्यूल है 12 उसके शेड्यूल नंबर 2 में भी मिल जाएगी। तो आपको देखिए यहाँ पे कितनी सारी बातें याद रखनी, आपको आर्टिकल मिल गया और शेड्यूल मिल गया, और किसको किस किन किन को सैलरी इससे दी जाती है ये भी इम्पोर्टेंट बात इससे जुड़ी हो गई। अब हम लोग आते हैं अपने दूसरे पॉइंट पे और जो कि है आकस्मिक निधि। दूसरा हमारा पॉइंट है कंटिंजेंट फंड यानी आकस्मिक निधि। आकस्मिक निधि में वैसे फंड यानी पैसे रखे जाते हैं जिनकी खर्च में जरूरत अचानक आन पड़े, जहां पर संसद को अचानक पैसों की जरूरत यानी अचानक फंड्स की जरूरत होती है उस समय पर यहां से पैसे खर्च किए जाते हैं। तो ये होता है आकस्मिक निधि। इसकी चर्चा हमें आर्टिकल नंबर 267 में की गई है। आर्टिकल 267 आपको याद रखना बहुत जरूरी है, आप प्लीज इस आर्टिकल को याद रखिएगा। इसमें आपको और भी बहुत सारी बातें मिल जाएगी, वैसे पढ़ने के दौरान हमें बहुत सारी बात मिलती। तो आर्टिकल 267 में इस फंड को रखा गया है, यहाँ वैसे पैसे रखे रहते हैं जहां पर संसद को अचानक पैसों की जरूरत आन पड़ती है और वहां से इस फंड को निकाला जाता है। इस तरह के पैसों की जरूरत उसी समय पर पड़ती है जब अचानक कोई दिक्कत आन पड़े सरकार को, यहाँ पे वैसे ही पैसे रखे जाते हैं। लेकिन इसमें एक और बात है कि संसद के अलावा यहां से और कोई भी व्यक्ति और कोई भी सरकार के अलावा, संसद के अलावा यहां से और कोई फंड नहीं निकाल सकता, किसी को भी पावर नहीं दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। लेकिन राष्ट्रपति का पद एक लौता ऐसा पद है जो कि आकस्मिक निधि से कभी भी इमरजेंसी की सिचुएशन में जब उनको जरूरत लगती है वो यहां से फंड निकाल सकते हैं। तो आपको दोनों ही फंड याद रखना है, एक तो फंड जो आपको मैंने अभी बताया और एक अभी जो मैं आपको बता रही हूं जहां पर अचानक पैसों की जरूरत पड़ती है और यहां से पैसे निकाले जाते हैं। तो इस फंड में उसी तरीके के पैसों यानी रकम को जमा किया जाता है जो कि अचानक निकालने वाली और जिनकी पूर्ति तुरंत की जानी है, इस तरह के फंड्स को रखा जाता है। तो एक तो था कंसोलिडेटेड और दूसरा था कंटिंजेंट, दोनों ही बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और इसी तरह के जो टर्म्स है यही हमारे एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो आपको आर्टिकल्स भी याद रखने हैं, इसके अंदर के मीनिंग्स भी याद रखने हैं, शेड्यूल्स भी याद रखने हैं, और अंदर की बात क्या है वो तो आप याद रखेंगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो आप लाइक कर दीजिए, नहीं अच्छा लगा है तो डिसलाइक कर दीजिए, बाकी फ्रेंड्स में शेयर जरूर कीजिए। और आपको इसमें कोई समस्या आ रही है समझने में तो आप वो कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे जरूर बताइए, मैं जरूर आपकी बातों का जवाब दूंगी। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको डेली आराम से सबसे पहले मिल जाए। और अगर आपको मेरी पढ़ाई अच्छी नहीं लगती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना करें, मन लगा के पढ़ाई करें। मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूंगी।